यहाँ कुपोषण को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं अपने परिवार की माताओं को, बहनों के जो जन्म लिए हुए बच्चे हैं, उनका अन्न प्राशन कराने का काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, कहीं हमारी बहनों की गोद भराई का कार्यक्रम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों की उच्चीकरण और निर्माण की बात कर रहे हैं, वही उनको वो सारी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये महसूस हो कि वास्तव में अपने देश में, अपने गांव में भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया, हमारे वर्ल्ड विजन के अधिकारी और पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने सुंदर और व्यवस्थित ढंग से आज के इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। आप ही कल्पना करके देखो, सरकारों का काम तो विकास करना होता है, सरकारों का काम तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन इसके इलक हम सब लोग अपनी सरकार को आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस दृष्टि से देख रहे हैं कि सरकार घर घर की समस्याओं को, घर घर के कामों को, घर घर के विकास को लेकर कितना चिंतित है, अपनी मातृशक्तियों के स्वावलंबन को लेकर कितना चिंतित है, हमारी मातृशक्तियाँ आत्मनिर्भर हो, हमारी मातृशक्तियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो और कुपोषण जैसी समस्या से दूर हो सके, अपनी आने वाली पीढ़ी को दूर रख सके, और वो सारी सुविधाएं जो आज बड़े घरों के लोगों को मिलती है, जो आज मध्यम वर्गीय परिवार या उच्च कोट के परिवार, जो हमारे पैसे वाले परिवार है, उनको मिलती है, वो भी हमारे गांव और गरीब के बच्चों को मिले, इसके लिए निरंतर कितना प्रयासरत है। मैं इसके लिए हृदय से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।